है के मैप तो मैं सबसे पहले बेसिक शुरू करती हूँ विथ थ्री वेरिएबल के मैप सॉप के लिए भी करेंगे पॉस के लिए देन फोर वेरिएबल देन फाइव वेरिएबल देन सिक्स वेरिएबल ठीक है आई विल ट्राई टू कवर ऑल तो स्टार्ट करते हैं थ्री वेरिएबल है मींस नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे टू रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट डन आई हैव टेकन ए एट दिस एक्सेस एंड बी सी एट दिस एक्सेस ए आइदर जीरो होगा और वन होगा बी सी जीरो जीरो हो सकता है जीरो वन हो सकता है 1, 1 और ठीक है ना वैल्यूज को पुट करने से पहले मैं यहां मीन टर्म की वैल्यूज लिख ये 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 सेवन नाउ मीन टर्म के केस में जहां मीन टर्म है वहां हम पुट करेंगे वन मीन जीरो टू थ्री एंड सेवन नाउ अब हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई तो फर्स्ट पेयर जो हमारा फॉर्म होगा फर्स्ट पेयर दिस वन नेक्स्ट पेयर बैक टू बैक दिस वन ठीक है फॉर दिस पेयर यहाँ पर दोनों रो यूज हो गई कॉलम से हमें क्या मिलेगा बी सी बुथ की वैल्यू वन मीन्स एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस यहाँ पर रो कौन सी यूज हो रही है ये वाली जीरो वाली मीन ए बार ए की वैल्यू जीरो है मीन ए बार इन दोनों ही कॉलम से व्हाट इज कॉमन जीरो इज इज कॉमन और ये जीरो किसका है C का दैट्स बार तो दिस द नाउ अब कभी कभी होता है कि क्वेश्चन को पूछता है कि इसको इंप्लीमेंट करो यूजिंग एंड गेट तो मैं यही बता देती हूँ पहले हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग बेसिक गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट टर्म्स वन टू मीन्स टू एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड ठीक है एंड आउटपुट ऑफ बोथ एंड गेट किस अप्लाई होगी और गेट को एन और क्या होगा एफ यहाँ पे इनपुट क्या होंगे फर्स्ट के लिए बी यहाँ क्या है सी ए बार सी बार तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ए बार और सी बार और आपकी चॉइस है तो आप कैसे कर सकते हो सपोज ये सी मिल रही थी इसको हमने नॉट गेट के थ्रू अप्लाई किया इसको ठीक है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इट्स अप टू यू नाउ जब ये सर्किट हो गया अब इसे नैंड गेट से बनाना है तो सिंपल कैसे करते हैं जितने एंड हैं जितने भी गेट्स हैं उतने ही नैंड ले लेने हैं ठीक है सेम प्लेसेस पे मैं डायरेक्टली बता रही हूं ठीक है और कैसे ये बनता है इसका डिटेल वीडियो यू कैन वॉच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ठीक है बी सी तो यहां लिखेंगे बी सी यहां क्या था ए बार सी बार तो ये क्या होगा ए बार सी बार ठीक है ये क्या हो गया यूजिंग बेसिक गेट्स ये हो गया यूजिंग नैंड ओनली नाउ अगर सेम सर्किट को यूजिंग नॉर करना हो उस केस में आपने क्या करना है यहां पर जितने भी गेट्स थे बेसिक के उतने ही आप नॉर लगाओ पहले तो ठीक है अब आपने आउटपुट पे एक और एक्स्ट्रा नॉर लगेगा जो वर्क करेगा एज अ इन्वर्टर ठीक है यहां इनपुट्स क्या होंगी जस्ट रिवर्स हो जाएंगी बी सी था तो ये हो जाएगा बी बार सी बार यहां ए बार सी बार था तो this will be AC, तो ठीक है ये हो गया same expression के लिए गेट्स ओनली okay? चलो आपको आप चाहो तो मैं वेरीफाई भी करवा देती हूं यहां पे एक्सप्रेशन क्या मिलेगी हमें बी बार प्लस सी बार का बार मीनस दिस इज बेसिकली बी सी डिमागन से अगर आप रिवर्स करें तो बी प्लस सी बार इज इक्वल टू बी सी बार और बार का बार क्या होगा बी सी ठीक है तो सेम वे यहां पर अगर हम करेंगे तो हमें यहां क्या मिलेगा ए प्लस सी का बार फिर इन दोनों को यहां अप्लाई करेंगे नाउ इस नॉर्गे की आउटपुट क्या होगी बी सी प्लस ए प्लस सी बार टोटल का बार ठीक है अब यहाँ एक इन्वर्टर लगा है अगर ये इन्वर्टर को हमने ओपन किया इस को ये हुआ, एक और बार सी बार BC A bar, C bar. मैंने जस्ट प्रूफ किया है आपको इसको करने की जरूरत नहीं है मैंने इसलिए सो देट क्या क्लियर so हो जाए कि दिस इज राइट डायग्राम क्लियर हो गया ना अब हमें करना है पॉस से तो अगेन थ्री वेरिएबल है तो पॉस में भी हमारा एट सेल्स होंगे फंक्शन होता है तो हम वन की जगह मीन्स कि जो नेक्स्ट हमें गिवन होते हैं उसके लिए हम जीरो पुट करते हैं तो यहाँ क्या होगा जीरो टू है तो जीरो थ्री है तो जीरो जीरो नाउ अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो पॉसिबल पेयर्स फर्स्ट पेयर दिस वन नेक्स्ट पेयर दिस वन ठीक है तो so नाउ अब इसके केस में कैसे लिखेंगे हमारा जो फंक्शन होगा f इज इक्वल टू फॉर दिस ये कॉलम है दोनों की वैल्यू क्या है वन वन तो यहां पर इसका अपोजिट होता है यहां वन वन को हम विदाउट बार लिखते हैं बट यहां पर हम विथ बार लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा b बार प्लस सी बार ठीक है इस एक्सप्रेशन में क्या था एंड था यहां और है विदाउट बार था विथ बार है प्लीज रिमेंबर वन होगा तो बार होगा नाउ फॉर दिस यहां पर ए की वैल्यू जीरो है मीन्स हम क्या लिखेंगे ए दोनों कॉलम से व्हाट इज कॉमन जीरो और ये जीरो किसका है सी का मीन्स प्लस सी तो दिस इज द एक्सप्रेशन नाउ अब बेसिक गेट से करेंगे तो वन और फंक्शन दूसरा और फंक्शन फिर एंड है मीन्स टू और गेट्स देन वन एंड गेट और ये होगा एफ इसकी इनपुट बी बार सी बार यहां क्या है ए एंड सी ये हुआ यूजिंग बेसिक गेट्स अब यूजिंग अगर नॉर करना है तो जितने भी यहां पे गेट्स हैं उतने ही नॉर फर्स्ट नॉर सेकेंड नॉर और वन मोर नॉर आउटपुट पे ठीक है एफ मिलेगा यहां बार यहां सी ये यहां यहां यह क्या हो गया यूजिंग नॉर ऑनली ठीक है अब जब सेम सॉकेट को नैंड से करना हो तो उस केस में जितने बेसिक गेट्स में हैं उतने नैंड लगेंगे

नाव अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फोर वेरिएबल के मैप का फोर वेरिएबल के मैप है मीनस नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी टू रेस टू पावर फोर टू रेज टू पावर फोर मीन्स सिक्सटीन कितनी होंगी टू रेज टू पावर फोर मीस सिक्सटीन तो हमने एक शॉप का एग्जाम्पल लिया है एक पॉस का है दोनों ही यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं और टेन टेन मार्क्स के क्वेश्चन थे इनको हमें क्या करना है शॉप को सिम्प्लीफाई करना है और इसको रियलाइज करना है यूजिंग नैंड गेट पॉस वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नॉर मैंने यहाँ मीन टर्म्स की वैल्यूज नहीं लिखी है यहाँ मीन टर्म्स और मैक्म दोनों की वैल्यूज सेम होंगी तो आप यही वाली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो जीरो वन टू थ्री करते हैं विद दिस इसमें क्या है और मैंने डोंट केयर का भी एग्जाम्पल लिया सो देट के हम डोंट केयर को भी कवर करें जीरो सिक्स सेवन ठीक है देन क्या है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन डन है क्या हो गया जीरो सिक्स सेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन नाउ डोंट केयर में क्या है एट मीन दिस वन टेन मीन्स दिस वन अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हमें इस मीन को कवर करना है तो इसके साथ जो क्वाड बनेगा वो क्या बनेगा दिस वन ठीक है यही क्वाड बन रहा है तो इसके लिए क्या हो गया एफ इज इक्वल टू इन दोनों ही रो से वट इज कॉमन जीरो और ये जीरो किसके लिए है बी के लिए मीन्स बी बार ये दो कॉलम्स यूज हुए इन दो कॉलम से क्या कॉमन है जीरो और वो किसका है डी का तो डी बार प्लस नाउ अब हमारे पास छह मिनट और बच गए इसके लिए सबसे पहले तो हमने ये एक क्वाड बनाया ठीक है ये क्वाड से ये दोनों रो यूज हुई वॉट इज कॉमन वन और वन किसका है बी का तो यहां क्या आएगा बी ये दो कॉलम यूज हुए यहां से क्या कॉमन है डी का वन तो ये क्या होगा डी नाउ अब ये हमारे पास है तो आइधर हम इसके साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं और हम ऐसे कॉलम वाइज कर सकते हैं इट्स अप टू यू आपकी चॉइस है दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे चलो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ ये अगर मैंने ये क्वाड बनाया तो सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम को कंसिडर करेंगे क्योंकि रो तो सारी यूज हो गई तो प्लस C की वैल्यू वन है और D की वैल्यू जीरो है तो सी डी बार तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन नाउ अब अगर हमें इसे नेंड से इंप्लीमेंट करना है तो पहले हम बेसिक गेट से बना के देखते हैं वन टू थ्री थ्री प्रोडक्ट टर्म्स हैं थ्री प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं मींस वन टू एंड थ्री ठीक है यहां पर क्या होगा बी बार डी बार यहां बी यहां डी यहां सी यहां डी बार ठीक है नाउ अब ये सबका और हो रहा है मीन्स हमने एक और गेट यूज किया और दिस इज द फाइनल ये हुआ यूजिंग बेसिक गेट्स अब हमें इसे नैंड से बनाना है तो जितने गेट्स यहां हैं उतने ही नैंड लगेंगे मीन्स वन टू थ्री ये होगा लेबल वन का एंड आउटपुट पर एक और है मीन्स वन नैंड गेट यहां पर यूज होगा ये होगा एफ ठीक है इसकी इनपुट क्या थी बी बार यहां डी बार यहां बी यहां डी यहां सी यहाँ डी बार डन दिस इज डन ये हुआ हमारा द सल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ अब हम पॉस का देखते हैं पॉस मीन्स मैक्सिटम हमें क्या पुट करना है जीरो थ्री जीरो फोर जीरो फाइव पर जीरो सेवन पर जीरो देन नाइन पर जीरो थर्टीन पर जीरो फोर्टीन फिफ्टीन सारे जीरो हो गए नाउ डोंट केयर कहाँ है जीरो टू एंड एट ठीक है नाउ अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले इस जीरो को हम इस मीन टर्म के साथ कवर इस मैक्स टर्म के साथ हमने ये पेयरअप किया फिर इसको हमने इस मैक्स टर्म के साथ कवर किया बिकॉज दीज आर इसलिए इनको हमें बनाना ही बनाना है इसके केस में इसको हमने इसके साथ कवर किया और इस मैक्स टर्म को हमने इसके साथ कवर किया तो हमें डोंट केयर की जरूरत नहीं पड़ी और जो हमने बीच में एक क्वाड बनाना था उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज इनको पेयरअप करने के लिए हमें ये यूज करने ही थे ये करने ही थे तो हम अननेसेसरी उस वाले क्वाड को नहीं बनाएंगे उसको एजम्प्ट करेंगे नाउ वट इज द सोल्यूशन फोर पेयर हैं तो एफ इज इक्वल टू फॉर दिस ये

वन इज कॉमन और वो किसका है सी का तो सी बार नाउ फॉर दिस पेयर ये दोनों रो यूज हुई क्या कॉमन है जीरो ए का मीन्स ए प्लस कॉलम से क्या मिलेगा सी एंड डी तो सी बार प्लस डी बार ठीक है तो ये है इसका सिंप्लीफिकेशन नाउ अब हमें इसे नॉर से बनाना है तो मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ जितने यहाँ पर और के फंक्शन है उतने ही यहाँ नॉर लगेंगे और लास्ट में भी एक और नॉर लगेगा आपने लिया है ए डन यहाँ लेना है ए बार तो नॉर्गेट का यूज़ करना है तो ये भी नॉर्गेट से ही बनना चाहिए इन्वर्टर ठीक है देन हमें लिया है बी ये हो गया बी बार मिल गया और हमें क्या चाहिए सी ये सी की लाइन हो गई ये सी बार की लाइन हो गई ये हमें चाहिए डी और ये हमारी डी बार की लाइन होगी इफ रिक्वायर्ड तब यूज करेंगे ना वन टू थ्री फोर फोर है मीन्स फोर नॉर्गेट्स लगेंगे वन टू थ्री फोर ठीक है इन चारों के ही आउटपुट वन और गेट को जाएंगे ठीक है ये फाइनल एफ नाउ अब इनके कनेक्शन करने हैं पहले के लिए क्या है ए मीन्स देन बी बार मीन्स दिस वन देन सी मीन्स दिस वन ठीक है नेक्स्ट के लिए क्या है ए बार ए बार देन सी देन डी बार डन नेक्स्ट के लिए है ए बार सॉरी ए बार फिर बी बार देन सी बार यहां पर क्या है ए फिर सी बार देन डी बार ठीक है तो दिस इज डन तो जैसे मैंने पहले बताए थे आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो इट्स योर चॉइस तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन फाइव वेरिएबल के नाम का नाउ आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर तो ये हमारा फाइव वेरिएबल के मैप है इसको हमें सिम्प्लीफाई करना है देन इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग लॉजिक गेट्स ठीक है फाइव वेरिएबल के मैप है तो के मैप पे जो हम शो करते हैं इनको शो करते हैं दिस के मैप फॉर ए इक्वल टू जीरो और दिस के मैप फॉर ए इक्वल टू वन ठीक है मीन्स की इन कॉम्बिनेशन के लिए ए की वैल्यू क्या होती है जीरो दिस मिनटर्म्स के लिए ए की वैल्यू क्या होती है वन इस एक्सेस पर लिया मैंने बी सी को इस एक्सेस पर लिया मैंने डी ई को फॉर बोथ के मैप ठीक है, बिकॉज यहाँ फाइव वेरिएबल है मींस टू रेस टू पावर फाइव इज इक्वल टू थर्टी टू सेल्स होंगे सिक्सटीन यहाँ सिक्सटी यहाँ नाउ बी सी की वैल्यू जीरो 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 वन 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 जीरो क्या होगा जीरो 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 वन 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 जीरो नाओ जीरो 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 वन 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 जीरो यहाँ जीरो 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 वन 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 जीरो नाओ अब हम इनको पुट प्लॉट करते हैं सबसे पहले क्या है जीरो मीन्स वन होगा यहाँ पर वन देन टू है देन फोर है फाइव है सिक्स है ठीक है जीरो वन टू फोर फाइव सिक्स ऑलरेडी हमने प्लॉट कर दिए नाउ टेन थर्टीन फोर्टीन डन है नाउ एटीन एटीन के बाद क्या है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन के बाद क्या है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू के बाद इन्होंने क्या लिया है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के बाद ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स के बाद ट्वेंटी नाइन एंड ट्वेंटी नाइन के बाद थर्टी Now, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो अगर हम इन दोनों ही के मैप को ऑब्जर्व करें तो ये क्वार एंड ये क्वार्ट इन दोनों को हम कंबाइन करके ये दोनों से हमें क्या मिलेगा एक ऑक्टेड और इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा ए और ए बार और ए दोनों ही यूज हो गया तो ए की वैल्यू तो खत्म हो गई चारों रो यूज हो गई दोनों की तो रो भी खत्म हो गया कॉलम ए की यूज हुआ है D, e, जिसकी वैल्यू क्या है डी की वैल्यू वन और ई e की वैल्यू जीरो मीन्स डी e बार ठीक है नाउ अब यहाँ पर देखते हैं अब इस गेम आपको अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या है ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक ये क्वाड बना लें ठीक है ठीक है ये क्वाड हमने बनाया या बैक टू बैक भी बना सकते हो बट मैंने ये क्वाड बनाया अब ये क्वाड बनाया तो इसके लिए क्या आएगा ये किसका है सिर्फ और सिर्फ इसका है ए की वैल्यू ज़ीरो है मींस ए बार ये दोनों रो यूज़ हुई यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा बी बार ये दोनों कॉलम से D की वैल्यू जीरो कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा D बार ठीक है नाउ इसके हमारा एक ही मिनटम बचा यहां पर ये वन तो नाउ ये वन को हम आइधर इसके साथ अप कर दें यह हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों और ये दोनों बहुत बो, सेम प्लेसेस पर हैं, दोनों ही एकदम सेम प्लेसेस में हैं, तो ये चारों कंबाइन होके क्या बनाएंगे एक क्वाड तो इस क्वाड के लिए क्या हो जाएगा ये रो यूज हुई इस रो से वन कॉमन आया वन किसका है सी का तो सी कॉलम ये यूज हुआ कॉलम की वैल्यू क्या है डी बार ई तो यहां पर क्या होगा सी डी बार ई ठीक है नाउ इसके में ऑल मीन टर्म्स आर कवर इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक मीन टर्म बच रहा है दिस वन तो इसको अगर हमें कवर करना होगा तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जो पेयर फॉर्म होगा बैक टू बैक दिस वन ठीक है जब ये पेयर फॉर्म होगा तो इसके लिए क्या सोल्यूशन आएगा ए की वैल्यू वन मीन्स ए इस रो से b की वैल्यू वन c की वैल्यू जीरो मीन b, c बार ये दोनों ही कॉलम यूज हुए तो व्हाट कॉमन जीरो और वो किसका है e का तो e बार तो इक्वल टू क्या हो जाएगा d, e बार प्लस c, d बार e प्लस a बार b बार d बार प्लस a, b, c बार ई बार ठीक है तो ये हो गया इसका सोल्यूशन अब इसको इंप्लीमेंट करना था लॉजिक गेट से तो हम सिंपल सा कर देते हैं ज्यादा कॉम्प्लीकेट नहीं करेंगे इसको हम सिंपल ही करेंगे ज्यादा कॉम्प्लीकेट नहीं करेंगे पहला प्रोडक्ट हम डी ई बार सेकेंड के लिए सी डी बार ई ठीक है थर्ड के लिए ए बार बी बार एंड डी बार लास्ट के लिए वन मोर एंडेट यहां क्या है ए यहां क्या है बी यहां क्या है सी बार यहां क्या है ई e बार अब इन चारों को ही और कर देते हैं ठीक है ये हो गया यूज इन लॉजिकेट्स आप ऐसे भी कर सकते हो और जैसे मैंने पहले के मैप में बनाया था वैसे भी बना सकते हो इट्स अप टू यू ठीक है नाउ वन क्वेश्चन ऑफ सिक्स वेरियबल के मैप नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्स वेरिएबल के मैप इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो मैंने ये बना लिया सिक्स वेरिएबल है मीन्स नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी टू रेज टू पावर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर मीन्स हमें चाहिए होंगे यहाँ पर फोर के मैप जो कि के होंगे तो सिक्सटीन इंटू फोर क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर ठीक नाउ ए बी जो हमारा होगा वो एक्सटर्नल होगा इस एक्सेस पर मैंने लिया ए इस एक्सेस पर लिया बी मीन्स दिस विल बी ए बार मीन्स ए की वैल्यू जीरो और ये होगा ए सेम वे ये होगा बी की वैल्यू जीरो मीन्स बी बार और ये क्या होगा बी इन दिस अंदर वाले जो के मैप्स होंगे फॉर ऑल यहाँ पर हम लेंगे सी डी और यहाँ लेंगे हम ई e, एफ ठीक है तो मैं सबकी वैल्यूज लिख लेती हूँ ये क्या होंगे जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो और मैंने सब पर ही मीन टर्म्स के वैल्यूज लिख दी हैं आप भी जरूर लिखना सो दैट कि आपकी मिस्टेक ना हो नाउ अब हमें इसको प्लॉट करना है सबसे पहले क्या है जीरो मीन्स यहाँ पर फाइव मीन्स यहाँ सेवन मीन्स यहाँ एट नाइन थर्टीन ठीक है ये हो गया एट नाइन थर्टीन नेक्स्ट हमारा क्या है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री हमारा कहाँ है ट्वेंटी थ्री देन है ट्वेंटी फाइव देन है ट्वेंटी एट देन है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फोर इज ऑल्सो देयर ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी नाइन उसके बाद क्या है थर्टी सेवन थर्टी सेवन हमें यहाँ मिलेगा थर्टी सेवन देन है फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री थ्री देन है 55 बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ 55 देन है 56 56 देन 57 देन 60 एंड 61 ठीक है ये हो गई सारी प्लॉटिंग अब हमें इसे सिंपलीफाई करते हैं तो मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है कॉम्बिनेशन वो हो रहा है ये दो क्वाड को मिला के ऑक्टेड ये दो क्वाड को हमने मिलाया तो हमारा क्या बनेगा एक ऑक्टेड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ऑक्टेड बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी इसमें कॉलम क्या यूज हुआ बी ठीक है तो मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ एफ इज इक्वल टू कॉलम से बी रो तो दोनों यूज हो गए तो खत्म हो गई यहाँ क्या आएगा बी अब किसी एक के में आपको देखना है तो मैं इसे देखती हूँ व्हाट इज़ कॉमन वन किसका है सी का मींस सी इन दोनों कॉलम में से क्या कॉमन है जीरो वो जीरो किसका है ई e का मींस बी सी ई बार इन दोनों के लिए हमें फर्स्ट टर्म मिल गया नाउ अब यहाँ पर देखो यहां पर वन यहां पर वन दोनों के ही वन पेंडिंग है इनको हमें कवर करना है अब यहां पर भी वन होता तो ये वन ये वन ये वन ये वन मिलके क्वाड बनता बट यहां नहीं है ये किसी और के साथ अप नहीं होंगे तो इन दोनों को हम एक साथ अप करेंगे ये दोनों का एक साथ पेयर अगेन दोनों रो यूज हो गए तो ए नहीं आएगा कॉलम कौन सा यूज हुआ दिस वन मीन्स बी अब किसी एक को देखते हैं इस रो से हमें क्या मिलेगा c की वैल्यू जीरो d की वैल्यू वन मीन्स c बार d यहां से क्या मिलेगा e f डन नाउ अब यहां आते हैं यहां पर देखते हैं इसमें हमारे क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो सबसे पहला क्वाड आप देखो यहाँ पर एक बन रहा है दिस वन ठीक है ये क्वाड हमने बनाया तो ये किस किस इसके लिए है ना तो इस बड़े स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा a b बार तो नेक्स्ट हो जाएगा a b बार अब हम इस क्वाड को अगर देखें तो रो एक ही यूज हुई है वो क्या है सी D, C की वैल्यू वन D की वैल्यू जीरो मीन C D बार ठीक है प्लस नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक मीन टर्म बच गया ये तो अभी हम इसको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे अब बाकी देखते हैं अब हमारे कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं यहाँ पे देखो आप ये जो है हमारा इन दोनों को हम बैक टू बैक कंबाइन कर लेते हैं ये इसके साथ ये इसके साथ ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ ये वाला यूज होना तो ए बार बी बार ए बार बी बार ये रो यूज हुई कॉमन क्या है जीरो मीन्स डी बार कॉलम ये यूज हुआ मीन्स बार एफ बार डन हो गया नाउ अब ये इसके साथ ठीक है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहां पे सेम ए बार बी बार क्योंकि ये बड़ा वाला है ठीक है नाउ ये रो है मीन्स सी बार डी कॉलम से क्या कॉमन है एफ की वैल्यू वन मीन्स एफ नाउ प्लस अब हमारे ये दोनों मीन टर्म्स बच गए तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को इसके साथ हम क्वार्ड बना सकते हैं क्वार्ड हमारा ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा तो जब हमने क्वार्ड बनाया तो ये दोनों ही कॉलम यूज हो गए, तो बी खत्म रो से क्या आएगा ए बार अब किसी एक के में आपको देखते हैं इस वाले को देखते हैं व्हाट इज कॉमन वन कॉमन किसका है सी का नाउ यहाँ कॉलम पे क्या है ई e की वैल्यू जीरो एफ की वैल्यू वन मींस ई बार एफ डन ये हो गया अब हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ ये इसको अगर हमें कंबाइन करना है तो ये या तो पेयरअप होगा विद दिस या तो और किसी के साथ पेयरअप होने के इसके चांसेज नहीं है तो हम इसको पेयरअप कर देते हैं इसको इसके साथ जब इसके साथ हमने पेयरअप किया तो दोनों रो यूज हो गई तो ए तो खत्म हो गया कॉलम क्या यूज हुआ बी बार ठीक है नाउ इसके लिए सी डी की वैल्यू क्या है जीरो वन मीन्स सी बार डी कॉलम से क्या यूज हुआ ई एफ की वैल्यू जीरो वन मीन्स ई बार एफ तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस सिक्स वेरिएबल के मैप